हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहितमय विकास, और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट हार्मोनिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल उसका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने उसके कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं ये पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसका जो रिप्रोडक्शन, उसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है और किस टाइप से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें एक एसेडियन टैडपोल लार्वा होता है, जो बिल्कुल मॉस्क्यूटो की टैडपोल लार्वा होता है, वो सो होता है। ठीक है, तो पहले हम टैडपोल स्ट्रक्चर ऑफ एसिडियन टैडपोल लार्वा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेटामॉर्फोसिस के की तरफ चलेंगे। तो हार्डमानिया में लार्वा फ्रॉग के टैडपोल जैसा ही होता है, इसलिए इसको एसिडियन टैडपोल कहा जाता है। टैडपोल लार्वा के बनने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। लार्वा में फर्टिलाइजेशन के समय टैडपोल लार्वा ट्रांसपेरेंट मिंडी लगभग 1.2 मिलीमीटर लंबा और 0.2 से लेकर 0.3 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसकी पूरी बॉडी एक पतले टेस्ट से कवर्ड होती है, जिसका सिक्रीशन एक्टोडर्म से होता है। लार्वा की बॉडी को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए, कौन कौन से भागों में हम इसकी बॉडी को बांटते हैं, आइए देखते हैं। पहला हेड, हेड क्या है आइए देखते हैं। यह 0.3 मिलीमीटर लंबा तथा सिलेंड्रिकल होता है। इसके अग्र सिरे पर थ्री स्टॉक एडहेसिव पेपली पाई जाती हैं, जो स्रावित सेल्स की बनी होती हैं। इनका काम अटैचमेंट प्रदान करना होता है। हेड के डोर्सल भाग में एक ओवल होलो सेंसरी वेसाइकिल होती है, जिसके अंदर लार्वा के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें दो फोटोरिसेप्टर ऑसिलाई तथा एक ऊसिस्ट होता है, जो बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। सेंसरी वेसाइकिल के सामने एक सॉलिड नर्व सेल्स का बना हुआ सेरिब्रल कोन पाया जाता है। वेसाइकिल के पीछे एक सॉलिड गैंग्लियन होता है, जो नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू कर जाता है। यह टेल से टिप तक जाती है। लार्वा में माउथ एंटीरियर डोर्सल साइड पर स्थित होता है और आर नाल में खुल जाता है। इसमें एक ब्रैंकियल साइफन, एक सैक लाइक फेरिंग्स, शॉर्ट इसोफेगस, फूला हुआ स्टोमक, पतली इंटेस्टाइन, रेक्टम व एनस को इंक्लूड करते हैं। फेरिंग्स में एक वेल डेवलप एंडोस्टाइल होती है। प्रारंभ में इसमें एक या दो पेयर गिल स्लेट के होते हैं, जो सिक्स स्टिग्मा में स्पिंक्ट हो जाते हैं। फेरिंग्स को घेरे हुए एट्रियम पाया जाता है, जो एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर खुलता है। फेरिंग्स के पश्च सिरे के नीचे हार्ट होता है। यह
टेल यह लार्वा का ट्रांसपेरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। इस पर एक कंटिन्यूअस यह 0.09 मिलीमीटर लंबा तथा लोकोमोटरी होता है। इस पर एक कंटिन्यूअस एक कॉडल फिन होता है जो टेस्ट से बनता है तथा इसमें तिरछी धारियां होती हैं जो फिन रे जैसी दिखती हैं। केवल टेल में मौजूद एक स्टिफ स्केलेटल ड्रॉ या नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड हॉलो वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी होती है। नोटोकॉर्ड का थोड़ा सा एंटीरियर पार्ट ट्रंक तक जाता है। नोटोकॉर्ड के ऊपर हॉलो गैंग्लियेटेड नर्व कॉर्ड होती है जिससे पतली पतली नर्व निकलती हैं। नोटोकॉर्ड के नीचे एंडोडर्मल सेल की एक स्ट्रैंड पाई जाती है। टेल में स्ट्रॉन्ग थ्री पेयर टेल मसल्स के भी पाए जाते हैं जो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। आइए अब बात करते हैं लार्वा के हैबिट एंड हैबिटाट की। हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ लार्वा। हैचिंग के फौरन बाद फोटो तथा गॉबलेट अब्सेंट होता है क्योंकि एक माउथ टेस्ट में बना होता है। उससे 4 घंटे की फ्री सीकम लाइट के बनने के बाद लार्वा जियो पॉजिटिव तथा फोटो नेगेटिव हो जाता है। यह बॉटम पर किसी भी ऊंचे हार्ड सबस्ट्रेटम पर सप्लाइड डोन में अटैच हो जाता है। अटैचमेंट एडहेसिव पेपली के द्वारा होता है। अटैचमेंट के बाद लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एसिडियन टैडपोल लार्वा की, तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा। ठीक है, इसकी जो साइज होती है 1.2 मिलीमीटर होता है। तो ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये आगे जो है ये सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके ये देखिए फेरिंग्स, ये जो डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स में स्टिग्मेटा और उसके नीचे एंडोस्टाइल होती है और ये पूरा जो है वो टेस्ट से कवर्ड होता है और ये रीजन हमारा हेड या ट्रंक रीजन दोनों एक साथ होते हैं। ये फेरिंग्स के बकल कैविटी है और ये तीन है जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, जो हेड रीजन से, वो थ्री एडहेसिव पैपली होती हैं। कौन सी पैपली होती हैं? थ्री एडहेसिव पैपली होती हैं। ये जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर ये हमारी ऊसाइट है और ये हमारा एट्रियल पोर है। ये हमारा सेरिब्रल कोन है, ये सेंसरी वेसाइकिल, ये हमारी इसमें ओसिलाई, ये हमारा नर्व गैंग्लियन, ये इंटेस्टाइन, ये स्टोमक, ये इसोफेगस,
ये हार्ट और ये देखिए इसमें लास्ट में जो हमारा टेल पार्ट है, टेल पार्ट में ये नोटोकॉर्ड बिलो बिलो द नर्व कॉर्ड, यानी नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो हमारी ये नर्व कॉर्ड है और उससे ये नोटो नर्व कॉर्ड से हमारी नर्व्स निकल रही हैं, ये हमारी नोटोकॉर्ड है, ये हमारा इसोफेगस, ये टेल और ये भी हमारा टेस्ट रीजन है और ये ऑब्लिक्यू स्टेंटिनस फिनरेज जो कि हमारे टेटपोल लार्वा में पाई जाती हैं। तो डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एसीडियन टेटपोल एंड बिगिनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस। आप इस डायग्राम को बनाइए। फिर हम बात कर, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? कॉडल फिन। अब हम बात करते हैं जिसका टी, ये है हमारी टीएस ऑफ टेल ऑफ टैडपोल, ठीक है? इसके हम ये कॉडल फिन जो इसमें हम जो टेल की जो टीएस है टैडपोल लार्वा की, उसकी टीएस का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। इसमें कॉडल फिन, ये देखिए टेल ऑफ मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, एंडोडर्मल स्ट्रैंड एंड ये हमारी एक्टोडर्म। तो ये टीएस ऑफ टेल ऑफ टैडपोल लार्वा। आप इस डायग्राम को बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।